बलिया प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी के मुख्य द्वार पर रविवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रखंड इकाई बलिया के शिक्षकों द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पारित आदेश पत्र की प्रति को जलाकर विरोध किया गया, जिसका नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया। शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा शिक्षकों को शराब बेचने और पीने वालों की पहचान कर विभाग को सूचना देने के आदेश का हम लोग विरोध करते हैं। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष विनय कुमार, अमरेश कुमार अमर, पंकज ठाकुर, सुजीत कुमार पाठक, बिमलेश कुमार, मोहम्मद ताहिर आदि शिक्षक मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बलिया से संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर के आज आप लोग ये कर रहे हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ था 28 तारीख को कि बिहार के सभी शिक्षक चाहे जिस भी कोटि के हों वो बिहार में अवैध शराब बेचने वाले और पीने वालों की पहचान कर इसकी सूचना विभाग को देंगे। ये एक तुगलकी फरमान है। शिक्षकों पर पहले से ही अत्यधिक कार्य का भार दिया गया है। तो क्या मतलब ये शराब ढूंढने का जो दिया गया है, ये प्रशासनिक तंत्र का काम है, ये शिक्षक का काम? शिक्षक का काम है विद्यालय में शिक्षा देना। पहले से ही शिक्षकों पे चुनाव कार्य, बीएलओ कार्य, जनगणना कार्य, आपदा कार्य, विभिन्न तरह के गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं। शिक्षकों का मूल कार्य होता है बच्चों को पढ़ाना। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, इसके हम लोग आज पूरे बिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पे पूरे बिहार के 534 प्रखंड में हम सरकार के आदेश की प्रति जलाकर ये विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार, प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ बलिया।